हेलो, करता नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी डॉट कॉम। सत्य हिंदी डॉट कॉम के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी डॉट कॉम एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर आप सत्य हिंदी के वेबसाइट पर जाएं और स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएं, वहां पर सत्य हिंदी के सदस्य बने। थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं महाराष्ट्र की को लेकर, महाराष्ट्र की सीटों के बारे में, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि पहले दौर में भी महाराष्ट्र के अंदर पोलिंग हुई थी और कुल 5 सीटों के लिए वोट पड़े थे। अब इस बार महाराष्ट्र के लिए जिन सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं वह है बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल वासिम, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, यानी कुल 8 सीटों पर वोट पड़ने वाले। एक बार फिर से बता देते हैं आपको, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल वासिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभनी, ये 8 सीटें हैं। महाराष्ट्र के अंदर कुल 48 सीटें हैं, तो पहले 5 और अब 8, यानी 13 सीटों के लिए वोट पड़ जाएंगे 26 तारीख तक। उसके बाद भी काफी सीटें हैं और दरअसल महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में ही है। उत्तर प्रदेश में 80 हैं तो महाराष्ट्र में 48 है। अब इन सीटों को लेकर क्या कुछ उठापटक चल रही है, कैसा कैंपेन चल रहा है, किसके पक्ष हवा बन रही है, किसके पक्ष हवा नहीं बन रही है, इस बारे में जानकारी के लिए चलेंगे हम संदीप सोनवलकर के पास। संदीप जो वरिष्ठ पत्रकार है, मुंबई में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल आवाज आ रही है आपको सर? जी आ रही। मोदी जी ने नांदेड़ में सभा करके फिर से माहौल बनाने की कोशिश की। पहला दौर बड़ा उदासीन रहा, ना वोटर निकला, ना ही मतदाताओं में कोई उत्साह दिखा। तो अब कहा जा रहा है कि दूसरे दौर में जरूर कुछ माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और बीजेपी रिवाइवल की तरफ अपने आप को देख रही है। 8 सीटों पर चुनाव और बीजेपी को उम्मीद है कि 5 से 6 सीटें बीजेपी जीत सकती है और बाकी 2 सीटें जो है दूसरों के मतलब महाविकास अघाड़ी के खाते में जाएंगी। जबकि पहले दौर में तो लगभग 5 सीटों पर सिर्फ गडकरी का मामला थोड़ा छोड़ दे तो बाकी 4 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दी थी। इस बार बीजेपी रिवाइवल की तरफ अपने आप को बढ़ते हुए दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि मोदी की सभा के बाद भी बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता। आखिरकार क्या वोटर बाहर निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वोटर यदि बाहर नहीं निकला तो निश्चित तौर पर सबकी चिंताएं बढ़ेंगी। इस दौर में अशोक चव्हाण एक बड़े नेता की भी परीक्षा है, क्योंकि अशोक चव्हाण हाल ही दिनों में बीजेपी गए हैं। उन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नांदेड़ और परभणी दोनों सीटें जितवाएं, क्योंकि यदि वो नहीं जितवाते तो उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़ा होगा। तो अब जो है विदर्भ के कुछ हिस्सा और थोड़ा सा मराठवाड़ा का हिस्सा, 2 सीटें जिसको बोलते थे परभणी और नांदेड़, ये 2 महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव है। निजामाबाद की सीटें कहलाती थी, निजामाबाद का हिस्सा थे, आदिलशाही का असर है, बड़ी संख्या में माइनॉरिटी वोट बैंक है, लेकिन मराठा भी उतना ही है। नांदेड़ में तो 7 लाख के आसपास मराठा है और तो करीब 3.5 लाख माइनॉरिटी वोट। तो जो मराठा आंदोलन कर रहा था पिछले जरांगे पाटिल के आंदोलन में, क्या वो मराठा सरकार से नाराजगी दिखाते हुए वोट करेगा नहीं करेगा, इस दौर में देखेगा। क्योंकि पिछले दौर में मराठा कम थे, कुनबी मराठा ज्यादा थे जिनको ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा था। अब जो सीट शुरू हुई 2, नांदेड़ और परभणी की, यहाँ सच में बड़ी संख्या में मराठा। तो क्या लगता है कि आपको, क्योंकि मराठा आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन अपने आप में हो गया था और एक तरीके से उन्होंने जो मौजूदा सरकार शिंदे सरकार उसके खिलाफ एक तरीके से विद्रोह भी किया था और उसकी वजह से जो ओबीसी वोटर था वो भी थोड़ा सा भड़का हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो एक तरफ ओबीसी वोटर की नाराजगी, दूसरी तरफ मराठा का आंदोलन, तो इन दोनों के बीच में क्या जो शिंदे ग्रुप है या अजीत पवार उनके साथ है, बीजेपी उनके साथ है, तो इनको कुछ फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा या इनको नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए, बीजेपी ओबीसी को साधने में अब तक महाराष्ट्र में खासतौर पर मराठवाड़ा बेल्ट की हम बात करें बड़ी संख्या में कामयाब रही हुई, और ये फॉर्मूला शुरू किया था मुंडे साहब ने, जिन्होंने बेसिकली धनगरों को बड़ी संख्या में जोड़ा था। इस बार भी महादेव जानकर, एक राष्ट्रीय समाज पक्ष के जो बड़े धनगर नेता है,
उनको परभणी से चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसलिए ये माना जा रहा है कि ओबीसी काफी हद तक बीजेपी के साथ जाएगा। लेकिन मराठा वोट बैंक बीजेपी के साथ ना जाके यदि पूरा या पूरा ना कहें तो उनके बड़ी संख्या में यदि विरोध में चला गया और माइनॉरिटी जो कि विरोध में चली गई, तब बहुत बड़ा परिवर्तन आपको चुनावी रणनीति में दिखाई देगा। जहां तक अमरावती की बात हम करें तो अमरावती में तो 4 करोड़ फाइट हो गई है। जो राणा, जो नवनीत राणा जो अभिनेत्री रही हैं और बीजेपी की स्टार, एक तरीके से बीजेपी में जाके स्टार उम्मीदवार भी एक तरीके से बन गई हैं, वो उनके खिलाफ बच्चू कड़ू जो लोकल विधायक हैं जो सरकार में शामिल थे वो सरकार से बाहर हो गए, उन्होंने ताल ठोक दी, अपना उम्मीदवार दे दिया। इसके अलावा आनंद राज अम्बेडकर को भी वहां से उतारा गया बाजू से। तो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि वंचित, प्रहार, शिवसेना और ऊपर से कांग्रेस का वोट, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक यदि शिवसेना को मिलता है तब लड़ाई बड़ी दिलचस्प सी दिखाई देती है। बलवंतराव वानखेड़े वहां लड़ रहे हैं कांग्रेस के, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी यदि कांग्रेस को शिवसेना का वोट और शिवसेना को कांग्रेस का वोट मिल गया। इस बार जो है कांग्रेस सीधे लड़ाई में कम है, इस बार शिवसेना थोड़ी सीटों पर, एक सीट पर एनसीपी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है शायद बीजेपी को एज ज्यादा मिलेगा। कांग्रेस से जरूर पहले दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छी लड़ाई देने में कामयाब रही। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लोकल मुद्दे महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है सबसे बड़ा, मराठवाड़ा का विकास, क्योंकि विकास मराठवाड़ा पिछड़ा हुआ बहुत माना जाता रहा है, मराठवाड़ा का विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। मराठवाड़ा और इवन जो विदर्भ का जो लगता हुआ इलाका, यहाँ विकास मुद्दा रहा। सूखा एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि अभी अचानक बारिश भी हुई, बड़ा फसलों का नुकसान हुआ, किसानों की नाराजगी बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। साथ ही शक्कर का जो कारखाने उनको एथेनॉल बनाने से जो रोक दिया गया उससे बड़ा शक्कर कारखानों पर दबाव आया है, तो वो ओवरऑल मुद्दे जो वहाँ जमीन पर नजर आ रहे हैं। और ये किसान बेल्ट है, मूलतः यहाँ इंडस्ट्री कम है, किसानी खेती किसानी वाले लोग ज्यादा है, वो धनगर बहुत ज्यादा है, बंजारा बहुत ज्यादा है, यूं कहेंगे मराठा भी जो है वो खेतीहर मराठा बड़ी संख्या में है। तो इसका एक असर इस बार जो है इस चुनाव में दिखेगा। और ये लोग काफी ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं, नाराज की तो ठीक है नाराजगी रहती है लेकिन बहुत खुश भी है सरकार से ऐसा भी नहीं है, इसलिए चुनाव जरा कठिन है। अशोक राव चौहान पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो जानते हैं जीते तो उनका दुश्मन प्रताप राव चिखलीकर, जिनको जिन्होंने उनको हराया था वही बीजेपी कैंडिडेट है, उनको जिताना मजबूरी है। जीते तो प्रताप राव चिखलीकर, जीते हारे तो बिल फटेगा अशोक राव पर, तो अशोक राव बिल नहीं फाड़ना चाहते हैं अपने, बीजेपी में आए हैं पूरी ताकत लगाए हुए। बट एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि अब तो 5 के तो पहले वोट पड़ चुके हैं, 8 के वोट पड़ने वाले हैं और कैंपेन इस वक्त पूरे तरीके से शबाब पे होगा, तो जो ये शिवसेना दो फाड़ हुई है, एनसीपी दो फाड़ हुई है, तो वोटर ने क्या इस बात को आइडेंटिफाई कर पाया है कि किस शिवसेना को वोट देना है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को या फिर शिंदे वाली शिवसेना को? और जो एक 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 तरीके से दिखाई पड़ता ना कि एक कैंपेन जो आपस में मिलकर किया जाता है, अब अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे अगर एक साथ लड़ रहे हैं तो एक कैंडिडेट है, तो क्या बाकी दोनों पार्टियों का फायदा, समर्थन उसको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? जी निश्चित तौर पे इस समय कांग्रेस और एनसीपी काफी हद तक शिवसेना के साथ खड़ी हुई नजर आती जमीनी तौर पे, और कार्यकर्ता भी इस मामले में बहुत ज्यादा विरोध के स्वर में नहीं। ठीक है, जो विधायक जो जिसको टिकट नहीं मिलती थोड़ा बहुत विरोध तो वहाँ होता है, उसके बनिस्पत ये कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी का वोट जो है एकनाथ शिंदे को ट्रांसफर होगा, ये बड़ा सवाल बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि जो चुनाव चिन्ह को लेकर जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर जरूर जमीन पर नजर आता है। जिसे हम आपको बात कर रहे हैं हिंगोली की सीट, तो ये सीट एकनाथ शिंदे की सीट है लेकिन इसको लेकर जो है बीजेपी आग्रही थी कि सीट बीजेपी को दिया जाए, इसको लेकर बड़ी खींचतान बहुत देर तक चलती रही। इसके अलावा परभणी में भी यही हुआ, परभणी में बीजेपी ने आखिरकार एनसीपी को वो सीट दे दी लेकिन वहां पर जो उम्मीदवार है महादेव जानकर वो बीजेपी के भेजे गए उम्मीदवार है। नवनीत राणा भी देखिए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर आ गई। मुझे लगता है बीजेपी रिकवरी की तरफ यहाँ से ज्यादा देख रही है कि बीजेपी रिकवरी ले पाए और इस सीट पर जो है अपनी थोड़ी सी पकड़ बना पाए। लेकिन बीजेपी के अलावा जो बाकी सीटें हैं क्या वहाँ ट्रांसफर होगा वोट, ये बहुत महत्वपूर्ण दिखता है। और ये इस खासतौर पर दौर से ये स्पेशली मराठा में आपको बार बार कह रहा हूँ कि दो सीटें खासतौर पर जो है, दो भी क्या बल्कि तीसरी भी हिंगोली, काफी हद तक मराठा डोमिनेंट है, वो मराठा कहाँ जाएगा? यदि मराठा ने विरोध करना शुरू कर दिया, विरोध में वोट देना शुरू कर दिया तो ये ट्रेंड सा आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसके बाद पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़े की सीटों पर ही चुनाव है। अगले दो चुनाव मुख्यतः पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, जहाँ मराठा बड़ी संख्या में, तो ये इस बार सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ये जो जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि रिवाइव की तरफ है बीजेपी या बीजेपी रिकवरी की तरफ है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या पहले दौर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी?
देखिए, भाजपा पहले दौर में अपने वोटरों को निकालने में उतना कामयाब नहीं दिखी, इसी वजह की कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि पांच में से कम दो या तीन सीट भी जो है, और वो सच है कि तीन सीटें फंसी हुई दिखाई देती है। यदि दो तीन का मुकाबला है तो जाहिर तौर पर बीजेपी, और चूंकि विदर्भ में कोई और पार्टी नहीं थी, भाजपा बनाम एक तरीके से ये कहें कि सीधे सीधे जो है कांग्रेस ही दिखाई दे रही थी, तो ऐसी स्थितियों में भाजपा को निश्चित तौर पर झटका लगा कि वोटर नहीं निकला। तो जो मोदी जी जो आए, मोदी ने फिर अपील की कि सुबह सुबह वोट देने निकले, धूप है, बहुत गर्मी है, जल्दी वोट करें। तो जाहिर तौर पे एक प्रेशर बनाने की कोशिश, और एक खबर आ रही है, मालूम नहीं कितनी सच है या नहीं, कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संघ के कुछ नेताओं से बात की और कहा है कि इस बार जो है वोटरों को निकलने में मदद की जाए। तो प्रेशर है, और मराठवाड़ा की खासियत और है कि मराठवाड़ा में मुस्लिम और मराठा इनके बीच कोई विद्वेष नहीं है, क्योंकि जितने मुस्लिम्स बने हैं मराठवाड़ा में उनमें से बड़ी संख्या में मराठाई हैं जो खुद मुस्लिम बन गए, क्योंकि निजामाबाद का शासन था, आदिलशाही से चलती थी, तो बहुत सारे लोग एक तरीके से मुस्लिम बन गए। मेरे ड्राइवर जो है उनका नाम इकबाल देशमुख है, तो कई बार लोगों को लगता है कि मैं जब उनको देशमुख बोलता हूँ तो लोग समझते हैं तो मराठा है, क्योंकि उनका नाम तो इकबाल देशमुख है। तो ऐसा पूरे मराठवाड़ा में आपको दिखाई देगा बड़ी संख्या में कि बहुत सारे सरनेम देशमुख, देशपांडे, ये मुस्लिमों के भी सरनेम वहाँ आपको दिखाई देंगे। तो एक बड़ी वहां पर मजेदार घटना दिखाई देगी, इसके बाद फिर कट्टर मराठवाड़ा शुरू होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उस्मानाबाद, लातूर। या फिर संदीप, एक चीज ये बताइए, क्या जैसे आपने कहा कि पहले दौर में उतना बीजेपी का सपोर्टर नहीं निकला, और ये भी खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की आरएसएस के लोगों से मुलाकात हुई और कहा कि भाई आप लोग मदद करिए, तो क्या ये माना जाए कि आरएसएस का जो काडर है वो इस बार निकल नहीं रहा बीजेपी के सपोर्टर में? आरएसएस काडर की बात तो नहीं कह सकते हम कि नहीं निकल रहा है, लेकिन वोटर, सामान्य वोटर जिसको हम बोलते हैं, बड़ा उत्साह पिछली बार दिखाई दे रहा था, वो अभी भी चुनाव में, मतलब इस दूसरे दौर में भी हालांकि रैलियां बहुत हो रही हैं, रैलियां बड़ी बड़ी करके करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आमतौर पर मतदाता बहुत ही उत्साहपूर्ण या यूं कहें कि बहुत ही उसमें दिखाई नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी एक शायद बड़ी वजह, एक तो धूप हम मान सकते हैं, निश्चित तौर पर बड़ा तेज तापमान है 43-44 के ऊपर, खासतौर पर मराठवाड़ा के इस बेल्ट में तो 45 डिग्री तक तापमान जाता है, एक बड़ी वजह है। दूसरी इसके अलावा ये जो वजह है कि स्थानीय मुद्दे ही हैं, अभी तक कोई राष्ट्रीय मुद्दा या राष्ट्रीय पकड़ या राष्ट्रीय यूं कहें कि हम इमोशनल कार्ड है कोई अभी तक दिखा नहीं, जिसका कोई एकदम जैसे बोलते हैं कि लोग एकदम निकल आए और उस मुद्दे पर दिखाई दे, तो स्थानीय मुद्दों पर पकड़ बहुत महत्वपूर्ण होगी और वही जो है इस बार दिखाई देगी। बीजेपी एक चीज साधने में कामयाब रही, बड़े नेताओं को तोड़ने में जो कामयाब रही उसका असर जरूर वहां दिखाई। तो क्यों वोटरों में इतना उतना क्या कहते हैं इंडिफरेंस क्यों, इतनी उदासीनता क्यों है, किस वजह, सिर्फ गर्मी कारण है? क्योंकि पिछली बार भी चुनाव हुए थे, मई के महीने में भी चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के अंदर, तो ये तो नहीं कह सकते गर्मी की वजह से लोगों के अंदर उदासीनता है, क्यों लोग उदासीन है, क्यों निकल के नहीं आ रहे वोट करने के लिए? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, कोई इमोशनल मुद्दा नहीं बनते आ रहा है, एक तरीके से यूं कहें कि अभी तक पूरे राज्य में कोई बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा नजर नहीं आता कि जिसको लेकर लोग बहुत मोटिवेट हों। एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि राष्ट्रीय मुद्दा जब तक नहीं बनता, राष्ट्रीय चुनाव तपन या राष्ट्रीय चुनाव वो गर्माहट, अब तक तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं दोनों तरफ से अलग अलग मुद्दे उछालने के, वो अभी तक दिखाई नहीं देता। दूसरा, क्योंकि ये जो बेल्ट है ये बड़ा किसानी वाला बेल्ट है, तो अभी भी खेती किसानी में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं उस इलाकों में, क्योंकि एक तो अचानक बारिश हो गई थी बीच में, लगातार 3 दिन तूफान और बारिश आई थी जिससे खेती का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो किसानों को भी एक तरीके से उनको लगता है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। हालांकि ये कहना कि सिर्फ सरकार नहीं आ रही है, थोड़ा सा वो होगा, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी उस तरह से उस किसानी के मुद्दे को उठाने या मदद करने की बात नहीं की, और ऐसा नहीं है अपोजिशन की तरफ से भी किसी बड़े नेता की बड़ी अपील बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, सिवाय उद्धव ठाकरे के। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की हर सभा बहुत अच्छी जा रही है। आखिरी सवाल, तो कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, क्या इन 8 सीटों पर कोई टक्कर तगड़ी दिखाई पड़ रही? तगड़ी तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा भी नहीं कि वन साइडेड है। तो मेरा एक अनुमान जो कहता है, अनुमान है, भविष्यवाणी नहीं है, सिर्फ अनुमान है, कि 5-3 या 6-2 का मुकाबला यह रह सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बात करने, थैंक यू।